बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। राइस यानी कि चावल, जब भी आप चावल पकाते होंगे तो इसे वॉश करके इसका पानी फेंक देते होंगे, लेकिन आज की रेमेडी देखने के बाद आप इस पानी को नहीं फेंकेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल, ईजी और इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि राइस वाटर का यूज़ करके आप फ्लॉलेस, ग्लोइंग, वाइटनिंग स्किन पाने के लिए कैसे कर सकते हैं। जो व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसके पास बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इससे मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेगी बिल्कुल फ्री में इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लेन राइस वाटर से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद फर्मेंटेड राइस वाटर होता है। फर्मेंटेड राइस वाटर क्या होता है, इसे किस तरह बनाना है, ये बहुत इजी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून राइस लेना है। राइस कोई भी हो सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, ब्राउन राइस, वाइट राइस, बासमती राइस, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से आपने धो लेना है, क्लीन कर लेना है। इसे धोकर आपने इसमें अब 5 से 6 टेबलस्पून सादा पानी ऐड करना है। अब आप इसे 20 से 30 मिनट तक इसी तरह रहने दें। इसके बाद आपने राइस अलग करके इस पानी को किसी भी बॉटल में निकाल लेना है और 12 से 24 घंटों तक 12 से 25 आवर्स तक आपने इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है। ये प्रोसेस हमें इसलिए करनी है क्योंकि इस प्रोसेस से राइस फर्मेंट हो जाएंगे। इस राइस वाटर को फर्मेंट होने के लिए 12 से 24 घंटों की ज़रूरत होगी। आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। 12 घंटे बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखेंगे इसमें हल्की हल्की स्मेल आने लगेगी, लेकिन यही राइस वाटर हमारी स्किन के लिए मैजिकल है। इसी राइस वाटर को हम फर्मेंटेड राइस वाटर कहते हैं। इस फर्मेंटेड राइस वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल, विटामिन बी, सी, ई होते हैं जो हमारी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाते हैं। इससे लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है, स्किन टाइट होती है, झुर्रियों पर भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप धूप में से होकर आए हैं तो इसके यूज़ से आपका सन टैन दूर होगा और स्किन पर बहुत ही आराम मिलेगा इंशाल्लाह। अब आप इस राइस वाटर को फ्रिज में 7 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो इसका इस्तेमाल आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बॉटल में इसे सेव कर लें और दिन में 2-3 मरतबा कॉटन की मदद से इसे चेहरे पर अप्लाई करें। जब ड्राई हो जाए तो वॉश कर लें। इंशाल्लाह इस रेमेडी के बेहतरीन फ़वाद आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 1 मंथ तो ज़रूर ट्राई करें और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं हमारी गोल्डन लाइन्स की जानिब। गोल्डन लाइन्स में आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारी लाइन शेयर करना चाहती हूँ। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह के फजल का दरवाज़ा खुलता है जो कभी बंद नहीं होता। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।